हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेट्स टॉक टेकी चैनल से कैरी मिनाटी रोस्ट बीबी की वाइंस डिलीटेड वीडियोस ऑफ कैरी मिनाटी। वाह 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 वाह, बीबी की वाइंस को भी कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया है। भाई ये वीडियो तो मैंने आज तक देखी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं भाई डिलीटेड वीडियो है कैरी मिनाटी की, क्यों रोस्ट किया, कैसे रोस्ट किया बीबी की वाइंस को। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे 7 मिनट की बीबी की वाइंस के बारे में। भगुन भाव भुगुन भाव भुवन बाम की वाइंस। यस, ये बहुत पहले की वीडियो है। तुम डायरेक्ट आते इस प्राणी की थूथ के ऊपर, एक बार ढंग से निहारो इसकी थूथ। अरे ये नहीं है। हाँ ये जो जॉन लाइन के नाम पे मजाक चल रहा है ना, मतलब क्या ये बचपन में ईट खाए हैं तूने या फिर पिटाई हुई है बहुत गंदी। जब ये प्राणी पॉपुलर हुआ ना, इसने अपने अकेले का फायदा नहीं किया, इसने बहुत सारे लोगों का फायदा किया, जैसे कि ये लोग। बबली सर, कौन हम हैं? एक्साइटेड इंडियन, कितना एक्साइटेड है ना ये बंदा। ये लोग रिएक्शन के नाम पे री अपलोड कर देते हैं सेम वीडियो और भाई तबाह के पैसे कमाते हैं भाई। और यही लोग सड़क पे जाके कहते हैं हम तो भैया यूट्यूबर हैं। अरे भैया कुछ बोला तो करो, कुछ उसके बारे में बताया तो करो, कुछ अपना ओपिनियन भी दिया करो। हम लौड़ा रिएक्शन देते हो तुम लोग, ये रिएक्शन है? और ये प्राणी यूं ही नेक्स्ट लेवल पे नहीं है, एक परी ने खुद इसकी गांड मारने की कोशिश की है। पिछली रात मेरी नई वीडियो पापा मां की चू YouTube ने डिलीट कर दी बिना मुझे नोटिस दिए, और वो भी मिस्टर ताहिर शाह जिन्होंने एंजल गाया है उनके कहने पे। ये एक अकेला ऐसा प्राणी है जिसने पूरे कॉलेज को बेंचो के नारे लगवाए थे। अगर हमने अपने स्कूल में ऐसा कर दिया ना, तो बहन चो बाप को तो प्रिंसिपल बाद में बुलाएगा, पहले अपने ऑफिस में बुलाकर गांड पे जूत बजाएगा दबा के हमारे। पता है मजे की बात क्या है, भाई साहब गाते भी हैं और इतना मस्त गाते हैं कि सब विदा हो जाते हैं। कितना इंजॉय कर रही है ना ऑडियंस, हाउ फन। इस बंदे ने अपनी मम्मी को घर के बाहर निकलने से पहले बोला था, मम्मी आई एम गोइंग आउट, वो कॉमेडियन भगुम भाव की वाइंस की परफॉर्मेंस है सीपी में, तो हम वहां जाएंगे, आई विल इंजॉय माई सेल्फ टूडे। ओ माय गॉड, बीबी की ये सारी वीडियोस है भी नहीं। इस प्राणी के ना बहुत सारे अवतार भी हैं, जैसे कि मिस्टर हवस, बैक्टीरियल फुद्दी और भेड़ चोद। और प्लीज प्लीज को इस प्राणी को बताओ YouTube में टैग नहीं होता। अरे बीबी ने आज नई वीडियो डाली है, यस आज का दिन तो बढ़िया जाएगा। क्या हुआ तेरा माता? ओह क्या बढ़िया वीडियो थी, मजा आ गया। बीबी कह रहा लाइक करने को, अरे लाइक कर देता हूँ, शेयर करने को कह रहा है, शेयर भी कर देता हूँ, यस आई विल शेयर। बीबी टैग करने को कह रहा है, टैग किसे करूं? भैंचो टैग का ऑप्शन कहाँ है? टैग का ऑप्शन कहाँ है? भैंचो टैग किसे करूं? टैग नहीं मिलता, किसे करूं टैग? ये बात शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन इसने वेबसाइट ट्यूटोरियल्स भी बनाए थे। क्विकर जाओ, फोन की फोटो लो, फ्री एड पोस्ट करो और परफेक्ट बायर पाओ। आजकल ये प्राणी टीवीएफ के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है, ये रही उसकी एक छोटी सी झलक। भोसड़ी के मादर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाड़, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। एंड में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब कुछ एक मजाक था, इसे सीरियसली मत लेना। मुझे पता है यार, कुछ लोग शुरू हो जाते अपने हिलते हुए अंगूठे लेके, तू है कौन, तेरी औकात क्या है? घर में घुस के मारूंगा भोसड़ी के। देखो यार, ये एक फ्रेंडली रोस्ट था, ठीक है,
कोई भी फ्रेंडली रोस्ट कर सकता है ना, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, है ना। प्यारे से रोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं कहने का मतलब यार ये है कि एक प्यारे से फ़नी से रोस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ठीक है। और ये काफ़ी पहले की वीडियो है, ठीक। और सभी लोग को पता है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग चलती है उस चीज़ पर रोस्ट भी बनता है, रिएक्शन भी बनता है, उस चीज़ पर हर एक कंटेंट बनता है, ठीक है। सभी यूट्यूबर्स उस पर कंटेंट बनाते हैं। और बीबी भाई वो आज तक ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो उस पर कोई कंटेंट कैसे नहीं बनाएगा। कैरी भी तब नई नई शायद वीडियोस बनाते थे, है ना, और काफ़ी फेमस थे कैरी भी, मतलब उतना नहीं जितना आज हैं, बट थे फेमस, वो भी थे। तो तब उन्होंने ये वाली वीडियो बनाई थी और बहुत सारे ऐसे लोगों पर वीडियोस बनाई थी जो आज उनके फ्रेंड हैं, ठीक है भाई। ज़रूरी तो नहीं है ना लोग बचपन से जानते हों एक दूसरे को, है ना, तो इसलिए बस फ्रेंडली फ्रेंड फ्रेंड में रोज था ये, ओके। और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगा यार, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस वीडियो को, ठीक। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।